और कितना प्राइस रहता है इसका? इसका प्राइस 150 रुपये लीटर है और इसमें 2-3 वैरायटी हम ऑफर करते हैं। अच्छा। हम अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं अगर आपको सिंगल ब्रीड का चाहिए, क्योंकि हमारे फार्म पे 6 ब्रीड है, तो हम उनको सिर्फ गीर या सिर्फ साहीवाल का भी दे सकते हैं। अच्छा जी। अगर उनको सिंगल काउ का चाहिए तो सिर्फ एक गाय का भी ले सकते हैं, या तो हमारे फार्म पे आके सिलेक्ट करें या फोटो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फार्मिंग मैनेजमेंट चैनल के ऊपर मैंने लगभग 400 के आसपास वीडियो कवर किया है। 400 वीडियोज में मेरा ये मानना है 300 वीडियो कम से कम मैंने मैनेजमेंट टिप्स के होंगी, बाकी मैंने किसी मशीनों की या अदर वीडियोज कवर की होंगी। मैं कोशिश करता हूँ बेहतरीन जानकारी आप सबके सामने प्रस्तुत करूँ। आज की ये वीडियो एक इस तरह की वीडियो है जहाँ पे एक किसान बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल देख सकता है। यहाँ पे वैश्यु जी हैं जिनकी मैं वीडियो कवर करने के लिए आया हूँ। आप सबके सामने एक ऐसा बिजनेस मॉडल प्रस्तुत करने के लिए जिनका एक्चुअली बैकग्राउंड नहीं है एग्रीकल्चर से, जो एक गोल्फ प्लेयर रही हैं, ना उनके पास जमीन है ना कोई उनका बैकग्राउंड रहा है, इसके बावजूद भी एक ऐसा अच्छा बिजनेस मॉडल खड़ा कर रखा है जिनका रिवेन्यू हर महीने का 10 लाख रुपए रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है जहाँ पे 10 लाख का रिवेन्यू जनरेट होता है तो बहुत बड़ी बात है। और हर किसानों के लिए, हर उन युवाओं के लिए जिनके पास खुद की जमीन है 2, 4, 6, 8, 10 एकड़ बहुत बड़ी बात होती है। हम भी खेती बाड़ी करते हैं, हमारा भी इस तरह का काम है, लेकिन यहाँ पे वैश्वी जी ने कितना अच्छा काम कर रखा है। 250 गायें हैं यहाँ पे, 8 के लगभग प्रोडक्ट तैयार करते हैं, 150 रुपये किलो इनका दूध सेल होता है, 2500 से 3000 रुपये किलो इनका घी सेल होता है देसी गायों का। तो काफ़ी ताज्जुब और हैरान करने वाली बात है आप सबके लिए जो अपने दूध को कम रेट में बेचते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि दूर दराज जो क्षेत्र में रहते हैं वो भी अपना दूध 150 रुपये किलो बेच सकते हैं, नहीं बेच पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप शून्य फार्म से जुड़ के आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उन रेटों से ज़्यादा रेट मिलेंगे जहाँ पे आप नॉर्मली अपने एक शुद्ध चीज़ों को बेचते हैं। वैश्यू जी का मानना है कि किसान अपनी आय बढ़ाएं वो भी एक अच्छे तरीके से, जो अन्न पैदा करता है, जो पूरे देश में यानी पूरी मानव जाति का जो पेट भरते हैं, वो लोग भूखे मरते हैं, वही सुसाइड करते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इनका इनिशिएटिव है, क्या करना चाहती हैं, क्या विजन है, कैसे शुरुआत हुई, सारी जानकारी इस वीडियो में शून्य फार्म के बारे में मिली जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक बेहतरीन जानकारी हासिल हो और वो किसान इनके पास फोन करें जो इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं और अपना भी प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वैश्य जी स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ वैश्वी जी आपको अपने फार्म के बारे में, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में, कैसे शुरुआत हुई और क्या ये सोचती हैं आम युवाओं के लिए, आम किसानों के बारे में, तो मैम अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करके मेरे व्यूअर्स को बताएं। लाइफ का गोल तो ओवर टाइम चेंज हुआ है। पहले मेरा गोल था कि वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फर बनना है, तो मैंने 8 साल की उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया और 16 साल इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया देश में, विदेश में, और एशियन गेम्स खेला और कई सारे टूर्नामेंट्स खेले। US में 7 साल रही गोल्फ की वजह से ही। और उसके बाद जो मेरा गोल हुआ इंडिया आके, वो ये है कि देश के किसानों के लिए कुछ करना है। देश के किसान जो कि सुसाइड करते हैं, जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आ पाती है, क्योंकि उनके बच्चे भी किसानी छोड़ना चाहते हैं, शहर में जाके काम करना चाहते हैं जी हाँ। उनके पास इतनी आमदनी तक नहीं है कि वो खुद खाना खा सकें, जबकि वो पूरे देश को खाना खिलाते हैं जी हाँ। उनके लिए कुछ करना है। तो अब मेरी लाइफ का गोल या मिशन यही है कि किसानों से जुड़ के उनकी आमदनी बढ़ानी है, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट फिर से जगानी है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना रहा है? एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने बैचलर्स किया है इकोनॉमिक्स में, एंड खेती का या काउ ब्रीडिंग का कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर का जीरो बैकग्राउंड जीरो है। मैं इसके बारे में फ्यूचर जानना चाहूँगा, आपके नज़रिए से ये जो काम है इसका क्या फ्यूचर है? इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, क्योंकि अब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि जिस तरह से हम रह रहे हैं, जो चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, इवन जो चीज़ सांस ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जहरीली है, हमारे हेल्थ में वो बहुत ही बुरे इफ़ेक्ट्स ला रही है। तो सबको ही अब ये सोच रहा है कि अब जिस जहाँ से आए वहाँ पे वापस जाना है, और हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। जो हमारी देसी गायें हैं उन पे हम जा रहे हैं, उनकी नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं, उससे खेतीबाड़ी जोड़ रहे हैं और नेचुरल फार्मिंग वापस ला रहे हैं। तो जो पास्ट है वही फ्यूचर है, बिल्कुल मैं बोलूँगी। तो क्या क्या काम कर रहे हैं आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, गिर गाय हैं आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपने घी वगैरह दूध वगैरह सेल करते हैं। मैं थोड़ा सा उसके ब्रीफली उनके बारे में जानना चाहूँगा ताकि आपके बारे में पता लगे कि मैम क्या क्या काम करती हैं। तो पहली बात तो जो हमारा फार्म है वहाँ पे हम एक मॉडल सेटअप कर रहे हैं कि जो हमारी देसी गायें हैं उनके जो गौमूत्र है, उनका जो गोबर है, उससे हम खेतों के लिए फर्टिलाइजर बनाएं, पेस्टिसाइड बनाएं, उसी से खेती करें जी हाँ। और
खेत जो आप ये ज़मीन देखते थे 4 साल पहले, बिल्कुल रेतीली ज़मीन, इसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, अब बिल्कुल चेंज हो गई है। तो एक तो हम ये एक केस स्टडी सोच लीजिए हम तैयार कर रहे हैं कि कोई भी आए उनको दिखा सकें कि गाय के गोबर में कितना दम है। जी हाँ, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, हम किसानों से जुड़ के उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। अच्छा, तो अपने बी कीपर्स हमारे बहुत जगह हैं, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तो उनका हम हनी लेके उसको ब्रांड करके बेचते हैं। जी हाँ जी हाँ। ऐसे ही और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो बहुत सारे किसान हम जो जुड़ना चाहें हमसे जुड़ सकते हैं, और उनको हम सपोर्ट भी करते हैं कि वो रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ आए। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। तो दूध आपके पास कितनी गायें हैं, कितना मिल्क प्रोडक्शन है, कैसे आप इनको संभालती हैं? हमारे पास 100 गायें हैं और उनके 150 बच्चे हैं। अच्छा जी। और 100 गाय में हमारा भी मिल्क एवरेज 6 से 6.5 लीटर आता है। अच्छा अच्छा। तो दिन का हमारे पास मतलब 350 लीटर ऐसे आता है, क्योंकि मिल्किंग गायें कम होती हैं, 100 गाय में भी मिल्किंग गायें कम। जी हाँ जी। तो और उसके अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क सेल ही होता है, जो मिल्क बच जाता है उसका घी बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और उसी के थ्रू फार्म पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, पूरा हमने अपना बाग लगाया हुआ है। आम के 9 से 10 वैरायटीज हैं हमारे फार्म पे। अच्छा। लीची है, आमला है, नींबू है, सहजन है, बहुत सारी चीजें हम कर मतलब ये सब आपने अपने लिए किया है या फिर ये भी एक मॉडल के तौर पे तैयार कर रहे हैं आप? देखिए, हमारा मिशन क्या है कि हमें इससे मतलब इसको सस्टेनेबल करना है। सस्टेनेबल इसलिए क्योंकि चैरिटी बहुत टाइम तक नहीं चलती, आप कितने टाइम तक एक एनजीओ मतलब डोनेशन पे ही चल सकता है, राइट? तो वो हमें प्रॉफिटेबल करना है, पर खुद के लिए नहीं, इसलिए ताकि और भी लोग इसको रेप्लिकेट कर सके कंट्री में। अच्छा अच्छा। तो हमारा ये सोशल मिशन आप समझ सकते हैं कि एक सोशल तरह का मिशन है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको फैलाएं आगे। फैलाएं जी। अच्छा, आपने ये शुरुआत किया तो कितनी गायों से किया था, ताकि कोई और यूथ अगर इसको देख रहे हैं वो भी इस तरह से करना चाहें, तो कितनी गायों से आपने शुरुआत किया, आपने की ट्रेनिंग वगैरह ली, जानकारी जुटाई, कैसे किया था ये सब? स्टार्टिंग में मैं गई थी, मैं NDRI गई थी और भी बहुत सारे जगह मैंने कोशिश की कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज कर लूं, फिर बहुत जल्दी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑनलाइन करने से या कोई किताब पढ़ने से ना कुछ भी नहीं पता चलने वाला। अच्छा अच्छा। जो एक्चुअल में हो रहा है ना उसमें सीधे घुसना है। अच्छा अच्छा। पहले जो 2.5 साल थे बस रिसर्च में गए, जगह जगह घूमे, किसान भाइयों के पास गए देखने के लिए कहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, कौन लोग अच्छी गाय रख रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो पहले का 2.5 साल तो बस आप समझिए कि इधर से उधर घूमने में, रिसर्च करने में गया। अच्छा। और पहले हमने 10 गाय रखी फार्म के उस तरफ, एक बांस का शेड है हमारा। अच्छा जी। वहाँ पे हमारी 10 गाय आई थी और जैसे जैसे गाय बढ़ती गई फिर इस शेड में हम लोग शिफ्ट हुए। इस शेड में आए जी। आपने शुरू से दूध किस रेट में बेचना शुरू किया था? स्टार्टिंग में तो हमारा 65 रुपए जाता था। अच्छा, अच्छा। अभी भी हमारा जो बल्क में कुछ जो दूध जाता है वो 65 रुपए में ही जाता है। अच्छा जी। और जो कस्टमर को जाता है वो 150 रुपए में जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा है। फीड की कॉस्ट, चारे की कॉस्ट, हर चीज, भूसे की कॉस्ट हाई है, लेबर की कॉस्ट भी हाई है, जो हमारे गौपालक है। अच्छा अच्छा। तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि मतलब कॉस्ट से जस्ट जितना बेस्ट में हम दे सके वही करें, हमारा बस चले तो हम और कम रेट में करते हैं। अच्छा, आपका कितने परसेंट दूध रिटेल में जाता है? अभी हमारा 50% रिटेल में जा रहा है। अच्छा, और 50% हमारा बल्क में जा रहा है। अच्छा, मतलब मैं मानूं कि 100 के आसपास तो आपका दूध एवरेज में सेल हो जाता होगा, 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। ऑन एवरेज थोड़ा उससे कम ही होगा। थोड़ा सा कम ही होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप जो घी दूध जो घी बनाते हैं, घी बेचते हैं, वो किस रेट में, कौन सी गायों का दूध घी रहता है? घी एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जो हमारे कस्टमर को बहुत पसंद आया है, और मैं बहुत गर्व से बोल सकती हूँ कि हमारी घी की क्वालिटी मतलब नंबर वन है। अच्छा। हम 3 टाइप का घी देते हैं और अभी हमने एक 4th टाइप का भी इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा अच्छा। तो हमारे जो घी है, एक तो देसी गाय का जो प्योर देसी गाय मिक्स का घी है। अच्छा। दूसरा राठी गाय का, हमारे फार्म पे राठी गाय है उनका भी घी है हमारे पास। गीर गाय का घी जो कि गिर गाय के दूध से बना है, और साहिवाल गाय का। साहिवाल का अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, इनके रेट थोड़ा जरा बता दे। हाँ जी। तो जो देसी गाय का घी है वो 500 ग्राम 950 रुपए में है, जो हमारा राठी गाय का घी है 500 ग्राम 1250, और जो गिर गाय का है वो 1450 में है। अच्छा, साहिवाल का अभी लॉन्च नहीं किया हमने। ठीक है ठीक है। और इसके अलावा कुछ लस्सी वगैरह भी इस तरह से आप सेल करते हैं? नहीं, अभी वो कुछ बस दूध है और घी है, डेयरी प्रोडक्ट घी है जी। अच्छा, ये सारा यहाँ गायों का मिल्किंग वगैरह और घी बनाना, ये किस तरीके से करते हैं? मशीनों का प्रयोग करते हैं आप या मैनुअली करते हैं? अभी सब कुछ हमारा मैनुअली चल रहा है। अच्छा। एक हमारी हमने एक मशीन ली थी, बिलोना मशीन, तो उसमें वो ऐसे ऐसे जैसे पहले लेडीज करती थी ना गाँव में, वैसे ही
होता है तो ऐसे चर्निंग होती है घी की और घी बनता है. बट हमारे और भी किसान भाई हैं जहाँ मतलब हमारी गाय और भी जगह है गुजरात में उत्तराखंड में. अच्छा. वहाँ तो लोग मैनुअली बनाते हैं. वहाँ कैसे आपकी गायें वहाँ कैसे, आपने इस तरह के फार्म खोल रखे हैं या फिर कॉन्टैक्ट आपने किया है? हमारे कॉन्टैक्ट है, मतलब वहीं की गायें हमारे पास हैं और वहाँ वहीं से हम अपना घी भी लेते हैं. तो जो गाय की क्वालिटी हमारे पास है वही वहाँ पे भी और वहीं पे उनका घी भी बनता है. अच्छा अच्छा अच्छा. जी तो हमारे मतलब किसान भाई आप बोल सकते वो जुड़े हुए हैं. जी जी. तो वैसे मैं इनकी फीडिंग के बारे में जानना चाहूँगा, इनके सीमेन के बारे में, मतलब कैसे रख रखाव करते हैं, कोई बीमारियाँ आती हैं तो क्या आपने एनिमल्स के बारे में भी अच्छे से स्टडी किया या स्टडी करती रहती हैं कि इनका कैसे रख रखाव रखा जाए बीमारियाँ वगैरह? हाँ, बिल्कुल. हमारा R&D तो चलता रहता है क्योंकि हमेशा आप इम्प्रूव कर सकते हो, कभी भी आप परफेक्ट तो हो नहीं सकते. तो हम हमेशा देखते रहते हैं कि ट्रीटमेंट और बेहतर कैसे कर सकें. अच्छा. और नेचुरल तरह का ट्रीटमेंट कैसे कर सकें. जैसे मैस्टाइटिस एक कॉमन बीमारी है, हमारी गाय में कम होती है क्योंकि देसी गाय बहुत कम बीमार पड़ती है. ठीक है. फिर भी मैस्टाइटिस हो तो हल्दी लगा के या कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट करके कैसे ठीक कर सकते हैं. अच्छा, तो हमारे जो वेट है फार्म के उनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का चल रहा होता है. अच्छा, अभी इस पे रिसर्च, अभी इस पे रिसर्च. और खान पीन जो है हमारी गाय, आप देख सकते हैं हरा चारा तो बहुत अच्छी मात्रा में खाती हैं, उसके साथ थोड़ा भूसा भी मिक्स्ड होता है. साइलेज हम नहीं देते, सब कुछ फ्रेश देते हैं. जो दाना भी है हम खुद अपने फार्म पे बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें. बाहर से कुछ नहीं खरीदते हैं बना बनाया? नहीं, हम लोग दाना सोर्स करते हैं. अच्छा अच्छा. बल्क में और जहाँ जहाँ भी अच्छी रेट पे मिल रहा हो और अच्छी क्वालिटी का मिल रहा हो. अच्छा जी. तो वो सैंपल्स मंगा के अप्रूव करके फिर वहीं से सोर्स करते हैं और फिर बनाते हैं अपने फार्म पे. अपने फार्म पे मिक्सिंग और उसकी जो पिसाई है वो सब अपने फार्म पे करते हैं क्योंकि मार्केट में अडल्ट्रेशन है इसमें काफी. अच्छा जी. अच्छा, डॉक्टर्स आपने कितने रखे हैं इनके लिए? डॉक्टर हमने दो रखे हुए हैं हमारे फार्म पे, दो डॉक्टर. अच्छा जी. अच्छा मैम, आपने मैनेजमेंट काफी अच्छा कर रखा. आपने मैंने वो आपका जो कंपनी का जो एम है वो भी मैंने पढ़ा था कि ये एम्प्लॉइज हों क्या करना चाहिए, उन कैसे डेडिकेटेड होना चाहिए, वो सारा मैंने देखा. तो कैसे मैनेज करती हैं आप, कितने लोग कैसे काम करते हैं? तो हमारे फार्म पे एक तो डेयरी का मतलब वो है डिपार्टमेंट है, उसमें दो डॉक्टर हैं और बाकी सारे गौपालक हैं. अच्छा. तो 250 मतलब गाय और बच्चे मिला के 10-12 लोग रहते हैं हमारे गौपालक. अच्छा. जो संभालते हैं. और जो हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट है वो भी काफ़ी बड़ा एरिया है, वो 4 लोग संभालते हैं. अच्छा. और हमारा जो ऑफिस का है, जो अकाउंट्स हो गया, कस्टमर केयर हो गया, उसमें हमारे 5-6 लोग हैं. अच्छा जी. तो वो सब मैनेज हो रहा है और अभी हम सीख ही रहे हैं, मतलब हमने भी स्टार्ट ही किया है. अच्छा जी, ठीक है. सब सीख के कर रहे हैं. अच्छा, गायें आप खरीदती हैं तो किस तरह से, आप कैसे किसी फार्मर से कॉन्टेक्ट करते हैं या फिर जो सेलर होते हैं उनसे मिलते हैं, क्या देखती हैं आप गाय के अंदर? गाय के अंदर पहले तो काफ़ी धोखा खाया हमने. और मैं ये बोलूँगी अगर कोई गाय खरीद रहे हैं तो आप मिल्किंग गाय लें ज़्यादा से ज़्यादा, या अगर पूरा 100% ट्रस्ट है आपको सेलर पे या फार्मर पे तब आप ले सकते हो. जो भी वो बोल रहे हैं फिर तो आँख बंद करके आप ले लो. अच्छा. तो ट्रस्ट बनाने वाली बात हुई, हम तो फार्मर के पास ही जाते हैं डायरेक्टली, ट्रेडर के पास नहीं जाते क्योंकि ट्रेडिंग का काम में है थोड़ा, मतलब व्यापारी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं. अच्छा अच्छा. तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि एक जगह पकड़ ली, जैसे राजस्थान में किशनगढ़ पकड़ लिया, वहाँ पे पूछ के किसान भाइयों के घर घर जाके ऐसे ही पता लगता है. कहीं ऑनलाइन तो ये चीज़ है नहीं या कहीं लिखी नहीं हुई है, कहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी. अच्छा अच्छा. अच्छा, आपके पास कौन कौन सी नस्ल की गायें हैं? हमारे पास गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, राठी है, कपिला है और हरियाणा. अच्छा जी. तो 6 तरह की हैं और अभी हमें और भी ऐड करनी है. हम ओंगोल, रेड सिंधी और गंगा तीरी. अच्छा जी. ये 3 ब्रीड ऐड करना चाह रहे हैं. अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज हमें बताएं, हमें ये नस्ल की गाय अपने फार्म पे चाहिए. अच्छा अच्छा. और कांकरेज भी चाहिए. क्या ब्रीड पे भी काम कर रही है मैम? एक्चुअली ब्रीड का काम ही हमारा नंबर वन काम है. हमने फार्म ही शुरुआत गाय की ब्रीडिंग से किया और हमारा नंबर मतलब नंबर 2 मिशन फार्मर के बाद यही है कि देसी गाय की नस्ल का सुधार हो. तो हमने बुल बहुत बढ़िया रखे हुए हैं अपने फार्म पे. एक आप देख सकते हैं हमारा गिर बुल उधर खड़ा हुआ है. अच्छा जी. तो वो बहुत ही अच्छी ब्रीड का है. ऐसे ही साहिवाल बुल की पाकिस्तानी ब्लड लाइन है, तो वो भी बिल्कुल ओरिजिनल ब्लड लाइन का है बुल. अच्छा, अच्छा, और राठी बुल भी है हमारे फार्म पे और हम ढूंढते रहते हैं और अच्छे अच्छे हमें ब्लड लाइन मिले और जो उनकी अगली नस्ल आ रही है वो पिछली नस्ल से बेहतर हो. जी ठीक है. अच्छा मैम, इसमें मैं अभी नेट प्रॉफिट जानना चाहूँगा. आपने सारा साइकिल चला रखा है ये, तो क्या शुद्ध इनकम आपको आना शुरू हो गया है या फिर अब भी आप सस्टेनेबल पे चल रहे हैं? सस्टेन आपका पहले से अब बहुत बेटर आ गए हैं. आपने ऑलरेडी हमारी आमदनी उसमें बताई, इनकम बताई, तो अब अगले 2-3 महीने में हमारा ब्रेक इवन होगा. अच्छा, अभी तक हम फुली प्रॉफिटेबल नहीं हुए बट अब बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं. क्या लगता है आपको क्या रहेगा इसमें फ्यूचर क्या रहेगा, मतलब इसमें काफी प्रॉफिटेबल है या फिर
काम बहुत अच्छा होगा, प्रॉफिट कम रहेगा। हाँ, क्योंकि ये सोशल मिशन ज़्यादा है, इसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, और हम एक्चुअली चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन किसानों को दें। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमें उतना ही मिले जिससे ये कंपनी हमारी चालू रहे। अच्छा, और हमें डोनेशन नहीं चाहिए। तो प्रॉफिट पे नहीं जाना, बट जरूरी है प्रॉफिट भी ताकि कंपनी चालू रहे। तो काम तो बहुत बढ़ाना है हमें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों से जुड़े और ज्यादा लोग इसको देख के अपना भी चालू करें। हाँ, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपने बताया कि किसान जुड़ सकते हैं, अपना घी वगैरह जो चीज है वो दे सकते हैं आपको, तो क्या प्रोसीजर रहता है वो सब? आप पहले भी खरीद रही हैं, अब भी आप ऐड ऑन करना चाहेंगे तो कैसे कर सकता है कोई किसान आपसे? तो अगर कोई किसान भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह की खेती कर रहे हैं ऑलरेडी, क्या वो केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो बिल्कुल जैविक खेती कर रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर वो केमिकल की कर रहे हैं या जैविक कर रहे हैं, दोनों तरीके में हम उसका केमिकल वो टेस्ट कराते हैं लैब में। अच्छा, वो लैब टेस्ट अच्छा आता है तब फिर हम उनके प्रोडक्ट्स लेना चालू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो अगर केमिकल करें तो हम उनको ट्रेनिंग कर सकते हैं उनकी, हम अपने फार्म पे ट्रेनिंग्स करते हैं और बहुत सारे लोग हमें बोलते भी हैं, मतलब पूछते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो हमारे फार्म पे आ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, सीख सकते हैं कि वो रासायनिक से जैविक पे कैसे शिफ्ट हो। अच्छा अच्छा, तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उनको सारा ना नॉलेज मिल सकती है कि कैसे आप गाय के गोबर गौमूत्र से चीजें बनाओ। अच्छा अच्छा, तो वो ऑप्शन है। तो ट्रेनिंग कैसे रहती है, मतलब किस समय रहती है, कोई दिन दो दिन की रहती है? ये चीज़ अभी कोविड की वजह से तो हो नहीं पाई, बट अभी एक दो महीने में हम अनाउंस करेंगे, तो वो सारा हम वर्कआउट कर लेंगे, एक या दो दिन जितनी भी ज़रूरत पड़े पूरा हम रूटीन बना लेंगे। हमारे जो सवाल, लोगों के सवाल आते हैं वो गाय से रिलेटेड आते हैं, फार्म से रिलेटेड आते हैं, तो शायद एक दिन गाय के ऊपर एक दिन फार्म के ऊपर ऐसा कुछ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, दो ढाई दिन की। बिल्कुल, तो देखिए दोस्तों, शून्य फार्म की वैश्वी जी की जो नॉलेज है मैंने कोशिश की आप सबके सामने शेयर करूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें, शेड कितने साइज़ की है, इसी शेड क्यों बनाई है, एनिमल्स कैसे खरीदे, बीमारियों के बारे में, फीड मैनेजमेंट, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं तो चाहूँगा आप मैम से फ़ोन करके जानकारी जुटाएं किस तरह से काम चलता है। आप किसान युवा या फिर कोई और बिज़नेस इस तरह करना चाहते हैं, इस तरह का काम करना चाहते हैं, इसको बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इनसे आप आके जुड़ सकते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने का इससे अच्छा कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता है। तो मैम, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि मेरे किसान जो युवा देख रहे हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप हार मत मानिए, और आपके जो बच्चे हैं उनको आप किसी तरह से किसानी में ही रखिए, क्योंकि यही फ्यूचर है। और मतलब हम जैसे लोग, मैं चाहती हूँ और भी खड़े हों, और हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं किसी ना किसी तरह से, चाहे आपको मार्केट चाहिए, चाहे आपको ट्रेनिंग चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प हम आपको देना चाहेंगे। ऐसे और भी लोग खड़े हो रहे हैं तो फ्यूचर अच्छा है दोस्तों। रियल में अभी मैं बताना चाहूँगा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी नहीं है, इसमें अभी आई नहीं है, आ जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग पीछे रहेंगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएंगी, फिर उठना, ग्रो करना काफ़ी मुश्किल रहेगा मैम। बिल्कुल, अभी काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं, फ्यूचर ब्राइट है, आप लोग आके जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और अपना भी एक अच्छा काम इस तरह का बढ़ा सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो बनवाने के लिए, जानकारी शेयर करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो हमारी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत और मैम का जो विजन है, जो मिशन है, वो कंप्लीट हो, आगे बढ़े और ये भी कामयाब हो, और हमें भी आप लोगों का प्यार बना रहे। वीडियो बनवाने के लिए आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।